देखो क्वेश्चन है एडवांस 2006 का। क्वेश्चन कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, वेयर एफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एंड गिवन दैट कैपिटल एफ फाइव इज इक्वल टू फाइव देन कैपिटल एफ टेन इज इक्वल टू। देखो इसमें जो गिवन है उसी से हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। आप देखो ये कब होता है, जब एफ एक्स साइन एक्स के फॉर्म्स में रहता है तो ये, या कॉस एक्स के फॉर्म में रहता है तो ये हमें मिल जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू के साइन एक्स। आप ये कर लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सिनोशाइडल फंक्शन एफ एक्स का ये फॉर्मेट बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, हमने मान लिया ये। ठीक है, अब देखो अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो। जी एक्स क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, के कॉस एक्स। ठीक है, अब कैपिटल एफ एक्स लिखो। कैपिटल एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स बाई टू का मतलब के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस जी एक्स बाई टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, के स्क्वायर फैक्टर आउट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वन के बराबर, तो कैपिटल एफ एक्स क्या आया, एक कॉन्स्टेंट नंबर आया। ठीक है, अब ये तो ठीक है, यहां से ये निकाल लिया। अब देखो एफ फाइव दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज एफ फाइव इज इक्वल टू फाइव दे रखा है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव आया। ठीक है, तो यहां से के क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, जिसका वैल्यू कितना है, फाइव है। तो एफ टेन भी कितना होगा, कैपिटल एफ टेन भी फाइव के बराबर ही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया आपका, ए आया। ठीक है, एफ टेन भी आपका कितना हो जाएगा, फाइव के बराबर ही। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना।